सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पे ना आज है संडे, ये व्लॉग संडे का है और पूरे मतलब दिवाली की साफ़ सफाई करने के बाद अभी कोई 3 बजे का टाइम है, हम जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट हम जा रहे हैं फरीदाबाद नंबर 1 की मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की मार्केट। तो फेस्टिवल के चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ इस मार्केट में थी और बहुत ही अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस है। तो और अभी दिवाली आने वाली है ना, इसलिए खूब धूम मार्केट में मची हुई है। गिफ्ट आइटम्स और साज सजावट का बहुत सारा जो है यहाँ पे सामान अवेलेबल हो गया है इस टाइम पे। तो जी आप भी मार्केट को एंजॉय कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये ना अभी हमारा जो है सेकंड या थर्ड विजिट था इस मार्केट में, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन इस बार जो है हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगाया और बहुत सारे जो है ना हर जगह पर सेल्स लगी हुई हैं और मतलब हर चीज़ जो है बहुत ही अच्छे प्राइस में, और ये झुमके 50-50 रुपये में यहाँ पे लगे हुए थे। और लाइनिंग वाले फ्लेयर प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो, ये सब जो है यहाँ पे 200 में मतलब अवेलेबल थे। तो आप चाहें तो मतलब अपना किसी कुर्ती के साथ जो है मैचिंग कर सकते हो। और ज्वेलरी यहाँ पे अलग अलग गलियाँ हैं और उसमें मतलब किसी गली में पूरा ज्वेलरी सेक्शन है, किसी में आपकी अंडरगारमेंट सेक्शन है, अलग अलग से सेक्शन बने हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने जो है इन्जॉय किया और जो भी हमें शॉपिंग करनी थी वो हमने यहाँ पे की। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपने अच्छे दाम पे जो है यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो वैसे मैंने बहुत सुना था सरोजनी मार्केट के बारे में, फरीदाबाद नंबर 1 मार्केट के बारे में, और सुना क्या था, जैसे अब मैं यूट्यूब में हूँ ना तो यूट्यूब में ही मैंने देखा था, लेकिन अब जाकर पता लग रहा है कि जितना सुना है उससे अच्छी, कई गुना अच्छी जो है ये मार्केट है। तो संडे वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, वैसे हमने सोचा था कि आज इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी दिवाली को टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश जो है मार्केट में था। Thank you.
तो डियर फ्रेंड्स, इसके साथ जो है मैं वीडियो की एंडिंग भी यहीं पे कर दूंगी। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है तो इसीलिए जो है ये व्लॉग आज जा रहा है। वैसे मैंने पिछले कल ये अपलोड कर देना था, तो शायद शॉपिंग करके कुछ ज़्यादा ही मैंने शॉपिंग कर ली जिससे कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली थोड़ा डस्ट वगैरह से मुझे एलर्जी हो जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था। आधी बार जो है डस्ट डुस्ट मुझे वो होगी, क्योंकि हम गए थे एक्टिवा में, गाड़ी में नहीं गए थे, तो इसलिए जो है मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही होगी। गला वगैरह वो हो गया चौक। तो अभी जो है वीडियो की एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको जो है मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और शॉपिंग वगैरह हमने क्या की वो जो है कभी आगे आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि दिवाली पे हमें जाना था घर, तो उसकी शॉपिंग कुछ शॉपिंग हमने की थी, और अभी पता नहीं घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। कुछ ऐसा बन रहा है कि शायद हम ना जा पाए, तो जो भी रहेगा वो आपके साथ जो है शेयर हो जाएगा। अभी वीडियो की एंडिंग में यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको जो है मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ। मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और गला मेरा ख़राब है तो अगर आवाज़ गड़बड़ होगी तो आप मैनेज कर लीजिएगा। बाय बाय।